फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक बैग तैयार करेंगे। ऐसी ही एक इमेज हमारे एक व्यूअर ने मुझे भेजी थी, तो मैंने ये बैग बनाने की कोशिश की है वो इमेज देख के। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का बैग बनाने के लिए हमने दो फैब्रिक के पीस लिए हैं, ये और ये प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक है सिंपल सा। तो इसका मेजरमेंट है 14 इंचेस बाय 13 इंचेस, 14 इंच बाय 13 इंच। अब हम इन पीसेस को एक शेप देंगे। ये हमारी ऊपर की साइड है और ये मेरे बॉटम की साइड है। तो बॉटम की साइड से दोनों तरफ मैं यहां पे 2.5 इंच पे मार्किंग करूंगी, 2.5 इंचेस पे। और ऊपर की तरफ से 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहां से 2 इंच। तो साइड से 2 इंच, ऊपर से यहां तक 5.5 इंच और दोनों कॉर्नर से 2.5-2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और इन पीसेस, इन सब मार्किंग्स को हमें इस तरह से जोड़ देना है एक शेप में, इस तरह से। इस तरह से। और अब हम इसे काट लेंगे। दोनों पीसेस को मैं साथ में रख के इसे काट लूंगी। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस को शेप दे दिया है। अब हम इसमें से एक पीस को यहां पे बैक साइड में एक विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहां पे 8 इंचेस का एक विंडो तैयार कर लिया है। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है उसका मेजरमेंट है 10 इंचेस बाय 15 इंचेस। अब यहां पे ऊपर से मैं 2 इंच पे इस पीस को अलग कर लूंगी। यहां पे इस तरह से, और ये मिडिल का मार्क मैंने कर दिया इसका। और ऊपर से 2.5 इंच छोड़ के हमें यहां पे, देखिए मैं इसके मिडिल पे ये रख देती हूं इस तरह से। इस विंडो को इस पीस पे सिल देना है। तो ये देखिए, ये विंडो मैंने यहां पे सिल ली है। अब मैं उसे काट लूंगी। ये मैंने यहां पे काट लिया है और अब इसे मैं अंदर की तरफ टर्न करूंगी इस तरह से। तरह से मोड़ लिया हमने। अब ये हमारा हिस्सा इस ओर है और जो हमने नीचे का हिस्सा काट लिया था उसे मैंने ऊपर से सिर्फ जिप रखी है और इस तरह से उसे यहां पे स्टिच किया है। अब ये हिस्सा हम इसके नीचे रखेंगे, जिप का हिस्सा यहां पे इस तरह से। अब हमें पहले सिर्फ यहां पे एक स्टिच करके लेनी है, यहां से यहां तक। और ये हिस्से पे हमारी दाब सिलाई होगी और ये जो हमने जिप का हिस्सा तैयार किया है वो यहां पे जुड़ जाएगा। तो यहां से यहां तक सिर्फ हमें एक सिलाई पहले करनी है। देखिए यहां पे हमने उसे ये सिल दिया है, ये हिस्सा यहां पे हमारा सिल गया। अब हमें बाकी का जो हिस्सा बचा है वहां पे दाब सिलाई भी करनी है। वो करते वक्त हमारा ये जो लाइनिंग का पीस है हम इस तरह लेंगे, इस तरह, और यहां पे हम उसे इस तरह फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। और
तो इस तरह से ये हिस्सा हमारा यहाँ पे दाब सिलाई करते वक्त जुड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ की दाब सिलाई पूरी करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से सिल दिया है और मैंने रनर भी इंसर्ट कर दिया है। देखिए यहाँ तक सिलाई उसकी हो गई है। अब हम यहाँ पे साइड से स्टिच करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करते इस पॉकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये विंडो पॉकेट बनके तैयार है। अब हमें ये जो हमारे दो मेन पीस है उन्हें रबर शीट पे स्टिच करके लेना है। मैं यहाँ पे रबर शीट ले रही हूँ। आपके पास रबर शीट अवेलेबल नहीं है तो आप इसे क्विल्ट कर सकते हैं फोम और अस्तर का पीस डाल के, या तो इसके नीचे गेहूं की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बकरम का इस्तेमाल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अब मैं इन दो पीसेस को इस तरह से रबर शीट पे स्टिच कर लूंगी। तो ये हमने रबर शीट उसे स्टिच कर ली है। अब मैं साइड का हिस्सा काट के उसका फिनिशिंग कर दूंगी। और साइड का रबर शीट काटते वक्त ही हमें लाइनिंग का पीस भी उसी शेप में काट के लेना है। मैंने लाइनिंग के एक लाइनिंग के पीस पे विंडो पॉकेट तैयार कर लिया है इस तरह से। अब मैं बाहर से उसे शेप में काट लूंगी और उसी वक्त ये लाइनिंग के पीस भी हमारे उसके साथ हम काट लेंगे। इस तरह से हमने रबर शीट और लाइनिंग के टुकड़े काट लिए हैं और अब हमें इसका साइड पैटर्न तैयार करना है। उसके लिए ये मैं यहाँ से पूरा इतना लेंथ उसका मेजर कर लूँगी। अड़तीस इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 38 इंच बाय 5 इंच का मेन कपड़ा काट लिया है और रबर शीट और लाइनिंग का पीस 38 इंचेस बाय 5 इंचेस का। पहले अब हम लाइनिंग का पीस साइड में रखेंगे और ये जो हमारी पट्टी है उस पट्टी को हम रबर शीट पे जोड़ के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 38 इंचेस का और 38 इंचेस बाय 5 इंचेस का जो हमारा बेस का पैटर्न था उसे मैंने रबर शीट जोड़ ली है। लाइनिंग का पीस हमने जोड़ा नहीं है, सिर्फ उसके साथ हमने काट के अलग से रखा है। और अब यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी काट के ली है और उसे हम यहाँ पे साइड में लगाएंगे। ये जो क्रॉस पट्टी है इसे हम पाइपिंग के जैसे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्रॉस पट्टी ली है। ये हमें टोटल, ये हमारा बेस 38 इंचेस का है तो 38 इंचेस की दो इस तरह की क्रॉस पट्टियाँ हमें लगेंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने एक रस्सी ली है इसकी जगह पे आप अपने पास जो अवेलेबल मटेरियल है उसे आप ले सकते हैं। वैसे पाइपिंग के लिए प्लास्टिक का बना हुआ कॉर्ड भी मिलता है पाइपिंग लगाने के लिए, वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं कभी लेके आऊँगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ पर मैं इस पट्टी को इस तरह रखूँगी और पहले यहाँ पर मैं स्टिच करके लूँगी ये डोरी इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। अब ये इस तरह हमने ये डोरी तैयार कर ली है पाइपिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा पीस है वहाँ पे इस तरह से आधा इंच छोड़ के हम मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग पे इस पट्टी को हम सिल देंगे। देखिए, ये जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पे हमें यहाँ से उस पट्टी को सिल देना है। और यहाँ से सिलते वक्त हम इस तरह उसे मोड़ लेंगे और जितना हो सके हमें नज़दीक उस पर सिलना है। ये जो हमारी सिलाई है, ये जो हमारी पाइपिंग है, ये देखिए यहाँ पे आनी चाहिए उस निशान पे। और यहाँ पे ऊपर से आधा इंच छोड़ के हम इस तरह मोड़ेंगे इस पाइपिंग को और इस तरह से सिलना शुरू कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सिंगल दाब लगा लिया है दो दाब की जगह पे, ये मैंने निकाल के सिंगल दाब लगा दिया है। और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके हम सीना शुरू कर देंगे।
इस तरह से ये हमने पाइपिंग उसे लगा दिया है, और इसी तरह से हम दूसरे पीस पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस पे पाइपिंग लगा दी है, और अब हम यहाँ पे उसे बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम मिडिल की मार्किंग कर लेंगे उसे, और मिडिल की मार्किंग से दोनों ओर 2.5 इंचेस, ढाई ढाई इंच पे इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर लिए हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो 25 इंचेस के मैंने बेल्ट्स लिए हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे उन बेल्ट्स को जोड़ दूंगी, तो बीच में हमारा दो बेल्ट के बीच में 5 इंचेस का गैप रहेगा। इस तरह से बेल्ट अटैच करने के बाद ये जो हमने साइड पैटर्न तैयार किया है, अब हम उसे ये अटैच कर देंगे। यहां से हमें पूरा उसे अटैच करते सिल देना है। तो देखिए इस तरह से हमें पूरा यहां से लेके यहां तक हमें उसे स्टिच करके लेना है हमारे बेस को, और इसी तरह से यहां पे भी इस ओर भी हमें उसी तरह से उस बेस को जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये दोनों पीसेस को हमने साइड का बेस का हमारा पैटर्न लगा दिया है, और अब उसी तरह से ये जो हमारे दो लाइनिंग के पीस है उसे भी हम बेस का पैटर्न लगाएंगे उसी तरह से, यहाँ पे पहले और फिर इसे। तो जैसे हमने बाहर का बैग तैयार किया उसी तरह से हम ये लाइनिंग का बैग भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का बैग भी हमने सिल लिया है। अब ये हमारा बैग सीधा ही हम रखेंगे, और ये जो हमारा लाइनिंग का बैग है उसे हम अंदर प्लेस करेंगे, और सिर्फ यहां से ऊपर से हम उसे मैच करके सिल देंगे। तो इस तरह से इसे अंदर हमें सेट करना है, और हम सिर्फ यहाँ पे ऊपर की तरफ उसे स्टिच करके इन दो बैग्स को एक दूसरे पे जोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने ऊपर से हमारा लाइनिंग का पीस जो था वो इस बैग को ऊपर से जोड़ लिया है इस तरीके से, और अब हम ऊपर का जिप का पैटर्न उसका तैयार करेंगे। तो जिप का पैटर्न तैयार करने के लिए ये पहले हम उसे गिन लेंगे। ये हमारा 14 इंचेस का है, 14 इंच का है, तो हमें 15 इंच बाय ढाई इंच, 15 इंच बाय ढाई इंच के दो फैब्रिक के पीस काट लेने हैं, और दो अस्तर के पीस, दो हमारे लाइनिंग के पीस और दो मेन फैब्रिक के पीस, 15 इंचेस बाय 2.5, 15 इंच बाय ढाई इंच के दो मेन फैब्रिक के पीस और दो लाइनिंग के पीस हमने काट लिए हैं। अब हमें यहाँ पे बीच में उसे जिप जोड़नी है, तो बीचों बीच मैं इस जिप को रखूंगी। ये 13 इंच की जिप मैंने ली है, और साइड से मैंने उसे 1.5 इंच के टैब लगा दिए हैं। अब हम बीचों बीच इस जिप को रखेंगे, और इस तरह से हम इसके बीच उसे सिल देंगे, और इन दो पीसेस को मैंने पेपर कैनवास चिपका लिया है। तो इस तरह से हमने जिप का पैटर्न सिल लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से इस पैटर्न को आपस में सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से, और यहां से यहां तक एक सीधी सिलाई, और यहां से यहां तक एक सीधी सिलाई। तो इस तरह से हमने ये सिल दिया है। अब इसे इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा एकदम फिनिश्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी सिलाई भी बाहर नहीं दिखेगी। तो ये हमारा जिप का पैटर्न। अब हमें हमारे इस बैग को जोड़ना है, तो उसके लिए पहले मैं इस बैग को उल्टा कर लूंगी। और अब इसकी सीधी साइड बैग की, और ये जो हमारा जिप का पैटर्न है उसकी सीधी साइड,
इस तरह से हम उसे मैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे ऊपर से। ये मिडिल का मार्किंग और ये पहले हम मैच करेंगे यहाँ पे। और यहाँ की मार्किंग और ये मार्किंग, तो इस तरह से पहले हम ऊपर से यहाँ पे एक स्टिच करके इन दो पीसेस को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ऊपर से हमने उसे सिल दिया है। अब मैं इसे सीधा करूंगी। और हम इसे अंदर इंसर्ट करेंगे, अच्छे से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से, और बाहर एक दाब सिलाई कर देंगे, तो ये हमारी बेल्ट भी खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी अंदर की सिलाई छुप जानी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे एक दाब सिलाई उसे कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दाब सिलाई कर दी और ये हमारा बैग बनके तैयार है। अब हम उसमें एक एडिशन करेंगे। हम यहाँ पे उसे एक जिप पाउच तैयार करेंगे छोटा सा यहाँ पे लटकाने के लिए। तो जिप पाउच बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है और उसे मैंने रबर शीट जोड़ ली है। अब मैं इसे उल्टा इस पे रखूंगी इस तरह से, और यहाँ पे लाइनिंग का पीस उस पे रखूंगी मैं, और यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। इस तरह सीधा करना है। और दाब सिलाई, अब हमें इसमें रनर डालना है और इसे इस तरह मैं फिर से उल्टा कर लेती हूँ, और इसमें हम अब रनर डालेंगे। इस तरह से, और इस तरह की एक डोरी जिस ओर हमारा रनर बंद हो रहा है, देखिए रनर का बंद इस तरफ हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा नीचे हम इस तरह डोरी को एक लगा देंगे यहाँ पे रख के, देखिए यहाँ पे, तो जहां पे हमारी जिप खत्म हो रही है उससे थोड़ा नीचे हम इस तरह उस डोरी को रखेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे हम जिप पाउच को ओपनिंग छोड़ेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई, और यहां से यहां तक एक सीधी सिलाई। अब यहां से हम उसे सीधा करेंगे। और ये ओपनिंग अब बंद कर देंगे हम। तो ये हमने जिप पाउच सिल दिया है। तो ये जिप पाउच हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहां पे इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से, तो ये बैग हमारा, ये आपकी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है बैग की। तो इस तरह से ये हमारा बैग बनके तैयार है। जो मुझे एक व्यूअर ने जैसी इमेज भेजी थी वैसी ये बैग बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो मेरी इस कोशिश में मैं कितना सफल हुई आप मुझे कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।